आउटर कॉर्नर से अप्लाई करूंगी। ग्लिटर के शैडो जे आप मैच करके एक शेड बनावे जो मैं चाहनी कि प्रॉपर ग्लॉसी लुक आ सके। सो मैं वो तीन कलर लै रही हूँ, सिल्वर टोन के ग्लिटर, गोल्डन एंड कोपर। तीन कलर नू मैच करके आप एक सिंगल टोन बनावे जिसे आप अपना कलर बनावे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्लाई करूँगी टू वे जैल, क्योंकि एच डी मेकअप आप चाहते कि नियर अबाउट 10 to 12 hours तक स्टे रहे। सो पहला जिते जिते तुसी ग्लिटर अप्लाई करने हैं उत्थे उत्थे टू वे जेल अप्लाई कर लो। मिस क्लेरी दी टू वे जेल ली है मैं ग्लिटर नू होल्ड करने लिए। सो एक ड्रॉप आप सिल्वर ग्लिटर दे लवोंगे, एक ड्रॉप गोल्डन ग्लिटर लवोंगे थोड़े जे, ग्लिटर नू नाल दी नाल बंद जरूर करो, इफ ए फॉल हो गए तो आपां नू होल पै जाणा, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो थोड़े जे कॉपर कलर दे ग्लिटर लवोंगे। तिन्नां नूं करांगे मिक्स। तुसीं इहनूं विद ब्रश दे नाल विद अपनी फिंगर टिप दी हेल्प नाल अप्लाई कर सकदे हो। लुक फ्रेंड, तुहाडे ग्लिटर बिल्कुल भी फॉल नहीं होणगे जे तुसीं इस मैथड दे नाल अप्लाई करोगे। आज दी सेंटर बॉल तक आप अप्लाई करांगे। नेक्स्ट मैं लै रही हूँ लाइनर लिए, मैं लै रही हूँ जेल आई लाइनर, स्विस ब्यूटी का जेल आई लाइनर लै रही हूँ मैं। क्योंकि फ्रेंड जेल आई लाइनर भी है ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सो जेल आई लाइनर लवोंगे अपना, अच लाइनर आप विंग करके लगावोंगे। प्रोडक्ट एकदम ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल लेस लेस करके लोगे ना तो प्रोडक्ट वेस्ट होगा और ना तड़ा मेकअप खराब होगा। लुक फ्रेंड, सो आप आउटर आईज अप्लाई करांगे ताकि जो आप आई लैश अप्लाई करिए तुसी लाइक किदा करके भी अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड मैं वन ही आज का मेकअप नाल दी नाल डन करके दिखाऊंगी, आफ्टर मेकअप मैं बाद चो डन करूंगी। सो मस्कारा मैं रिमल का लै रही हूँ क्योंकि मैं लैश भी अप्लाई करनी है।